गुलाब जामुन खाना किसको नहीं पसंद है, और फेस्टिवल्स आते हैं तो इनकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ गुलाब जामुन की एक हेल्दी रेसिपी शेयर की जाए, जो कि कम्प्लीटली रिफाइंड शुगर फ्री हो, बिना चाशनी के और बिना तेल में डीप फ्राई किए हुए भी बन जाए। सो आज के जो गुलाब जामुन है वो हम बेक करके बनाएंगे। अवन में तो आप इसको बेक कर ही सकते हैं, साथ में मैं दिखाऊंगा आप इसको गैस पे कैसे बना सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन का डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने हाफ कप मैदा लिया हुआ है और हाफ कप मिल्क पाउडर लिया हुआ है। अब इसमें एक चम्मच घी डालेंगे, गर्म नहीं होना चाहिए, आपको रूम टेम्परेचर वाला ही यूज़ करना है। अब जाएगा इसमें हल्का सा इलायची पाउडर और एक से दो चम्मच शहद। आप सोच रहे होंगे शहद अभी क्यों ऐड किया है, तो इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा, तब तक थोड़ा पेशेंस रखिए। पर उससे पहले हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। घी और हनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डो बनाएंगे इसका। उसके लिए इसमें जाएगा 30 ml दूध। दूध भी गर्म नहीं होना चाहिए, ये भी रूम टेम्परेचर वाला ही यूज़ करना। डो को ओवन हीट नहीं करना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा और लास्ट में अपने गुलाब जामुन भी कड़क कड़क रहेंगे। सो गाइस, गुलाब जामुन का डो हमने रेडी कर लिया है। अब इसमें हनी हमने पहले से ही ऐड कर लिया है। इसका दो फायदा होगा। पहला तो आप इसको बेक करने के बाद एज इट इज ही खा सकते हैं। मैंने टेस्ट करके देखा, सिमिलर टेस्ट आ रहा था गाइस। और दूसरा फायदा ये होगा कि हनी आपको पता है डेंस होता है, तो जब आप इसको ग्लेज करेंगे तो ये अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसकी भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब अपने गुलाब जामुन के डम्पलिंग्स रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले डो से एक छोटा पोर्शन ले लेना है और चकली बनाते हुए बीच में जगह कर लेंगे। अब मैं जगह इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसके बीच में मैं एक कैश्यू नट डाल सकूँ। आप चाहें तो इसमें किशमिश डाल सकते हैं या बादाम भी डाल सकते हैं। और फिर सील करके इसे लड्डू का शेप दे देना है। ड्राई फ्रूट ऐड करने से ये फायदा होगा कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको वो नटी क्रंच मिलेगा और हनी ग्लेज अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, तो उसको भी ये रिप्लेस कर देगा। अपने गुलाब जामुन वाले डम्पलिंग्स रेडी हैं। अब इसको बेक करने से पहले आप किसी हल्के गीले कपड़े से कवर करके रखना, नहीं तो ये ड्राई होने लगेंगे और फिर इसमें क्रैक्स आएंगे। और अब चलिए इसे अवन में बेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसको गैस पे कैसे बनाना है। सबसे पहले बेकिंग ट्रे को ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये बेक होते टाइम चिपके ना, और फिर अपने डम्पलिंग्स को इस पर प्लेस कर लेंगे। अब बेक करने से पहले इनको ऑयल या घी से ब्रश कर लेना है। अब इनको 5 से 10 मिनट के लिए 150 टू 160 डिग्री पे बेक कर लेना है। ये काफी डेलिकेट है, नीचे से जल भी सकते हैं, तो आप इनको एक दो बार बाहर निकाल के रोटेट भी कर देना ताकि सारे साइड से अच्छे से बेक हो। तो ये हमने बेक करके बना लिया है। अब चलिए देख लेते हैं इसको गैस पे कैसे बनाना है। गैस पे बनाने के लिए ये हमने पनियारम वाला डिश लिया है। इसको स्लो फ्लेम पे रखना है और डम्पलिंग्स प्लेस करने से पहले ऑयल या घी से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। स्पून की मदद से इसको कंटिन्यूसली रोटेट करते रहना है ताकि ये सारे साइड से अच्छे से पक जाए। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और पक गए हैं, तो चलिए अब इनको प्लेट में करते हैं ट्रांसफ़र और अपना हनी ग्लेज करते हैं रेडी। गाइस, मैंने 6 गुलाब जामुन के लिए 3 टीस्पून हनी लिया हुआ है, बाकी तो मैं और मेरे वाइफ ऐसे ही खा गए। आप चाहे हनी में थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हल्का सा इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट्स, और हल्का सा चला के इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको गर्मा गर्म गुलाब जामुन पे पोर कर दीजिए, और लास्ट में अगर इसमें आप और ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो ऐड करके इसको गार्निश कर लीजिए।
सो गाइस ये था अपना हनी ग्लेज्ड बेक गुलाब जामुन रेसिपी, जरूर ट्राई करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।